नमस्कार, मैं सुमन तिवार अभय न्यूज के 23 अगस्त सोमवार शाम के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। चलिए देखते हैं दिन भर की कुछ खास खबरें। इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं आर के निवास बाय आर के डेवलपर्स। शानदार घर खरीदें अब अपने बजट में। आगर मालवा के डॉक्टर संजय शर्मा उज्जैन के नए सीएमएचओ होंगे। प्रभारी सीएमएचओ डॉक्टर महावीर खंडेलवाल को सीएमएचओ पद से हटाकर जिला चिकित्सालय उज्जैन पदस्थ किया गया है। खंडेलवाल अपने राजनीतिक रसूख के कारण प्रभारी सीएमएचओ के पद पर करीब 1.5 साल से बने हुए थे। हालांकि उनकी कार्यशैली से खुद उनका स्टाफ और अधिकारी खुश नहीं थे। कई मर्तबा कलेक्टर उन्हें बैठक में झिड़क चुके थे और सैलरी भी काट चुके थे। बावजूद इसके डॉक्टर खंडेलवाल की कार्यप्रणाली में कोई सुधार नहीं था। हालांकि डॉक्टर खंडेलवाल इसी माह सेवानिवृत्त होने वाले हैं, लेकिन जिस तरह से उन्हें हटाया गया है उसे सीधे तौर पर डिमोशन कहा जा सकता है। आगर मालवा से आ रहे डॉक्टर संजय शर्मा कुशल सर्जन हैं और वह कई जटिल सर्जरी कर चुके हैं। शर्मा के इसी सप्ताह ज्वाइन करने की संभावना है। उनके सामने दो सबसे बड़ी चुनौती है, पहला 100% वैक्सीनेशन और दूसरा कोरोना की तीसरी लहर। नीति आयोग ने अक्टूबर में कोरोना की तीसरी लहर पीक पर होने की आशंका जताई है। इस हिसाब से तैयारी करने के लिए उनके पास केवल 1 महीने का समय है। अब देखना ये होगा कि वह दोनों चुनौतियों से कैसे निपटते हैं। अशोकनगर क्षेत्र में रविवार रात कोर्ट में गवाही के एक दिन पहले गवाह को तलवार मारकर घायल कर दिया। इतना ही नहीं, बदमाशों ने राह चलते लोगों पर भी हमला किया। कुल जमा 3 लोग घायल हुए हैं। दरअसल अशोकनगर की गली नंबर 6 में रहने वाले अनिल पथिक हाट बाजार में ठेला लगाते हैं। उनकी पुत्री से पड़ोसी शक्ति झांझोट ने 1 साल पहले छेड़छाड़ की थी। इसकी रिपोर्ट अनिल ने माधवनगर थाने में दर्ज कराई थी। इस मामले में सोमवार को कोर्ट में अनिल, उनकी बेटी और पत्नी की गवाही होनी थी। अनिल को गवाही देने से रोकने के लिए आरोपी शक्ति, विक्की, शीला और नेहा ने हमला बोल दिया। तलवार और चाकू से किए वार से अनिल की जांघ और सिर में चोट आई है। अनिल की जांघ में 10 टांके आए हैं। उन्हें उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इनमें सबने मिलकर मेरे को तलवार और चाकू से मारा। हमारा एक केस चल रहा है। उसके लड़के ने मेरे लड़के को छेड़ा था, नाबालिग बच्ची को। 2 साल से केस चल रहा है। हम गवाही देने जाते तो डराता धमकाता आएगा। और अभी आज की तारीख में मेरे को 23 तारीख के दिन वो गवाही देने जानी थी। तो रात को मैं खड़ा था, मैं धंधा करके आया, राखी बेच के आया और मैंने मेरी गाड़ी टिकाई बाहर खड़ा था। आया दौड़ के ना दोनों तीनों जने आए और मारा मेरे चाकू तलवारों से। सर में भी चोट आई है मेरे। इधर अनिल पर हमला करने के बाद आरोपियों ने अंबापुरा चौराहे पर खड़े होकर रात में जमकर धमाल मचाया। उन्होंने किशनपुरा निवासी तुषार पिता श्याम जाटवा पर तलवार से हमला कर दिया। तुषार बहन के यहाँ से राखी बंधाकर घर लौट रहा था। उसे पिटता देख अंबापुरा में ही रजाई गद्दे की दुकान चलाने वाले जीजा का छोटा भाई हरीश पहुँचा तो आरोपियों ने उसे भी पीट दिया। शहर में मेरी बहन के हाथ से खाना खाकर आ रहा था और चौराहे पर मैंने गाड़ी टिकाई और उन्होंने हाथ से चाटा मारकर मेरे से बोला कि गाड़ी हटाओ। सर मैंने गाड़ी ना हटाने पर उन्होंने सर मेरे से तलवार सर मेरी गर्दन पर मारी। सर मैंने हाथ पे ली थी सर। 9 बजे बाद की घटना सर। शक्ति झांझोट, विक्की झांझोट और गज्जू झांझोट सर पहले के भी अपराध है सर उनके। और सर वो नशे में अपराध करते रहते हैं सर। और एक अपराध करके आ ही देते हैं और इतने में सर 10 मिनट बाद उन्होंने मेरे साथ हरकत कर दी सर। पुलिस ने दोनों मालों में आरोपियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया है। में दो पक्षों में झगड़ा हुआ था, जिनकी पुरानी किसी मामले को जो कोर्ट में विचाराधीन है उसकी बात को लेकर झगड़ा हुआ था। तो इसमें दोनों पक्षों में आपस में FIR हुई है और एक आरोपी को राउंडअप भी किया है। बाकी आरोपी की भी कदरअसल इसमें की जाए। शहर की प्रतिष्ठित बैंकों में से एक विक्रमादित्य नागरिक बैंक के चुनाव की हलचल तेज हो गई है। जांच और नाम वापसी के बाद 19 उम्मीदवार मैदान में बचे हैं। इन सभी को चुनाव चिन्ह आवंटित कर दिया गया है। अब 12 पदों के लिए 29 अगस्त को वोटिंग होगी। 5 साल में एक बार होने वाले बैंक संचालक के चुनाव में 12 संचालकों को चुना जाता है। बैंक के 12 पदों में से 2 पद महिला और 2 पद SC/ST वर्ग के लिए आरक्षित हैं। कुल 4100 सदस्यों वाले बैंक में वोटिंग के लिए पात्र सदस्यों की संख्या करीब 3200 है। 12 पदों के लिए सामान्य वर्ग के 14, महिला वर्ग की 3 और 2 SC/ST वर्ग के उम्मीदवार मैदान में हैं। इस बार चुनाव ज्यादा रोचक होने की उम्मीद है, क्योंकि गैर व्यापारी वर्ग से भी उम्मीदवार मैदान में हैं। अब तक व्यापारी वर्ग के लोग ही संचालक का चुनाव लड़ते थे। इस बार समन्वय पैनल ने 12 पदों पर अपने 12 उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है। शेष 5 लोग निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। चुनाव अधिकारी रघुवर पिपलाज ने बताया कि मतदान 29 अगस्त को सुबह 9 से शाम 4 बजे तक होगा। वोटिंग के तत्काल बाद मतगणना होगी। परिणाम इसी रात तक आने की उम्मीद है।
वैध नियोजन पत्र 21 प्राप्त हुए थे, फिर नाम वापसी की तारीख को जो है शेष रहे नाम वापसी के पश्चात 19 पर चुनाव लड़ना है। 19 से 9 पुरुषों के लिए, 9 कैंडिडेट के विरुद्ध 14 कैंडिडेट चुनाव मैदान में रहे। इसी तरह अनुसूचित जाति वर्ग में एक पद हेतु 2 उम्मीदवार और महिला वर्ग अनारक्षित 2 महिला पद की पूर्ति हेतु मतलब 3 महिलाएं उम्मीदवार खड़ी है। चुनाव 29 अगस्त को प्रातः 9 बजे से 4 बजे के मध्य और 1 घंटे के पश्चात ही मतगणना प्रारंभ की जाएगी, जो मतगणना के उपरांत उसका रिजल्ट घोषित किया जा सकेगा। टोटल 12 पदों पर चुनाव हो रहे हैं। बाबा बैजनाथ की शाही सवारी दोबारा निकालने देने का कैबिनेट मंत्री हरदीप सिंह डंग का वादा झूठा साबित होने पर सोमवार को शहर में बवाल हो गया। कांग्रेस भाजपा के कार्यकर्ताओं ने हाईवे जाम कर दिया। पुलिस ने हाईवे खाली कराने के लिए जमकर लाठियां बरसाई तो लोगों ने भी पलटकर पथराव कर दिया। पुलिस ने लोगों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। पुलिस ने विधायक विपिन वानखेड़े और उनके समर्थकों को गिरफ्तार कर लिया है। पथराव में 3 आरक्षक और 1 नगर सैनिक घायल हुए हैं। दरअसल पिछले सोमवार को एकाएक बाबा बैजनाथ की सवारी निकाल दिए जाने से लोग नाराज थे, इसके चलते उन्होंने चक्का जाम कर दिया था। तब आगर से गुजर रहे राज्य सरकार के कैबिनेट मंत्री हरदीप सिंह डंग ने इस सोमवार को शाही सवारी पूरी शान शौकत से निकालने का आश्वासन दिया था, इसके चलते बड़ी संख्या में लोग छावनी में जमा हो गए थे। वह सवारी फिर से निकालने देने की बात पर अड़े थे। स्थानीय प्रशासन ने जब इस बात से मना किया तो लोग इंदौर कोटा हाईवे पर पहुंच गए और चक्का जाम कर दिया। ये देख पुलिस का माथा सटक गया और उन्होंने लाठियां बरसा दी। जमकर भांजी लाठियों से लोग घायल हुए, लेकिन उन्होंने पलटकर पुलिस पर पथराव कर दिया। बस फिर क्या था, पुलिस ने गिरफ्तारी शुरू कर दी। मौके पर विधायक विपिन वानखेड़े, एनएसयूआई के राष्ट्रीय सचिव अंकुश भटनागर, राजकुमार गोरे, कमल जाटव, रामेश्वर यादव को पुलिस ने गिरफ्तार कर नलखेड़ा थाने भेज दिया। इसी तरह भाजपा युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष मयंक राजपूत की गिरफ्तारी ली गई। पथराव के दौरान लोगों ने पुलिस एवं प्रशासन की गाड़ियों के कांच तोड़ दिए। पथराव और लाठीचार्ज में आरक्षक आकाश भारती, महेश शर्मा, धर्मेंद्र खत्री और सैनिक अशोक मालवी घायल हुए हैं। सभी को उपचार के लिए जिला अस्पताल भेजा गया है। पुलिस प्रशासन एक्शन में ये लाठी चार्ज करते हुए पुलिस प्रशासन जो छावनी चौराहे पे देखिए किस तरह से लाठी चार्ज अच्छा बरसने के बाद भी सावन गंभीर बांध का पेट नहीं भर सका है। इंदौर, देपालपुर और गौतमपुरा में अच्छी बारिश नहीं होने से बांध रीता है। भादो का पहला दिन बारिश से खाली बीतने के बाद नगर निगम ने आपात स्थिति की तैयारी शुरू कर दी है। दरअसल अब तक शहर में 543 मिलीमीटर यानी 21 इंच बारिश हो चुकी है। बावजूद इसके गंभीर बांध का जल स्तर नहीं बढ़ा है। 2250 MCFT क्षमता वाले गंभीर बांध में सोमवार को महज 397 MCFT पानी था। अगर अब बारिश नहीं हुई तो शहर में जल संकट खड़ा हो सकता है। जल संकट की आहट के बावजूद नगर निगम का अमला काम के प्रति लापरवाह बना हुआ है। कमिश्नर ने नोडल अधिकारियों से उनके वार्ड में स्थित स्त्रोतों की जानकारी मांगी थी, लेकिन सोमवार तक ये जानकारी एकत्र नहीं हो सकी थी। नोडल अधिकारियों से 3 बिंदुओं पर उनके क्षेत्र की जानकारी मांगी थी। इसके अनुसार नोडल अधिकारियों को उनके क्षेत्र में शासकीय सार्वजनिक कुएं, बावड़ी, तालाब, सरोवर, झील की जानकारी देनी थी। इसी तरह इन जल स्त्रोतों की मौजूदा हालत के बारे में भी पूछा था। जल स्त्रोतों की पूर्व में हुई मरम्मत की जानकारी भी पूछी थी। हद ये है कि तय तारीख 23 अगस्त तक नोडल अधिकारी साहिल मेदावाला, संचित शर्मा, राजेंद्र रावत, भारती लोधी, निर्झर शुक्ला, सौम्य चतुर्वेदी, राजेश ओझा, मुकुल मेशराम, गौरांग कांबले और राजकुमार राठौर ने ये जानकारी नहीं भेजी थी।
भादो मास में पहली बार बाबा महाकाल शहर भ्रमण पर निकले। हमेशा की तरह इस बार भी भक्त दर्शन से दूर रहे। पुलिस के साये में सावन भादो की पांचवीं सवारी धूमधाम से निकली। सभा मंडप में पूजन के बाद बाबा को पालकी में बैठाया गया। फिर कड़ा बीनों ने धमाके कर बाबा के आने की सूचना दी। चांदी की पालकी में बैठे बाबा के लिए सड़क बुहारी गई और कारपेट भी बिछाया गया। पुलिस जवानों ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया और सवारी अपने रास्ते चल पड़ी। पंडे पुजारियों ने बाबा महाकाल के जयकारे लगाए और दूर से ही नमन किया। सवारी की खासियत रुद्र सागर क्षेत्र में हुई आतिशबाजी रही। रंगीन बारूद ने सुलग कर धमाके किए। पालकी बड़ा गणेश मंदिर हरसिद्धि चौराहा सिद्धाश्रम होते हुए रामघाट पहुंची और यहां पालकी पूजन किया गया। करीब आधे घंटे के पूजन के बाद पालकी फिर से महाकाल मंदिर के लिए रवाना हुई। हरसिद्धि मंदिर के सामने पालकी का एक बार फिर से पूजन किया गया। यहां से होते हुए सवारी शाम ठीक 6 बजे मंदिर पहुंच गई। हरसोदन में गांव के आदतन बदमाश ने एक किशोर से माचिस मांगी। उसने देने से इनकार किया तो बदमाश ने पहले लट से किशोर को कूटा। बीच बचाव करने माँ बाप आए तो उन पर भी लट बजा दिए। तीनों घायलों को जिला अस्पताल में दाखिल कराया गया है। दरअसल हरसोदन का रहने वाला रूप सिंह शराब का नशा करने के बाद गांव में घूम रहा था। उसने गांव में ही रहने वाले आदर्श से माचिस मांगी। आदर्श ने इससे इनकार किया तो रूप सिंह ने लाठियों से आदर्श को पीटना शुरू कर दिया। खेत से लौट रहे आदर्श के पिता किशोर मालवी और मां सुनीता ने रूप सिंह को रोकने की कोशिश की तो उन पर भी लाठियां बरसा दी। हमले में मां, बेटा और पिता घायल हो गए। पवासा पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश तेज कर दी है। मारपीट सब लकड़ी डंडे से हुई। रूप सिंह ने मारा, पहले मेरे बालक से माचिस वगैरह मांगी उसने और गाली गलौज करी और इसको मारा। के बाद में हमारे थे तो हमको मारा। वो पे सारा सर, ये बालक को लगी, मेरे को लगी और मेरी औरत को। चिमनगंज थाना की ये पवासा। राज रॉयल कॉलोनी में रहने वाली महिला को एक युवक ने सर्जिकल ब्लेड मारकर घायल कर दिया। युवक महिला की बेटी से छेड़छाड़ करता था। महिला ने सोमवार को रोककर उसे ऐसा करने से रोका था। दरअसल शबाना पति जमील बेग और गोपाल कॉलोनी में आमने सामने रहते हैं। गोपाल शबाना की बेटी से अक्सर छेड़छाड़ करता है। बेटी ने इसकी शिकायत माँ से की थी। सोमवार को शबाना ने गोपाल को रोक कर इस बारे में बात की तो वह नाराज हो गया और उसने सर्जिकल ब्लेड से हमला बोल दिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। गोपाल नाम के लड़के ने मेरे साथ हाथापाई कर मेरी लड़की को छेड़ता है। मेरे साथ तीन चार महीने से परेशान कर रखा था। तो मेरी लड़की मैं काम पे सही तो मेरी लड़की ने मेरे से बोला तो घर के सामने से निकल के जा रहा था तो मैंने बोला मैंने कहा गोपाल मेरी बात सुनो तो उन्होंने बोला क्या तो मैंने कहा मेरी लड़की को क्यों परेशान करते हो तुम तो एकदम उठाया उन्होंने मेरे को हाथापाई करने लग गया मेरे साथ और मेरी लड़की को गंदी संदी गाली बकरिया वो ऑपरेशन करने की छुरी आती है ना उससे करा। पंजाब में चल रहे किसान आंदोलन के कारण पश्चिम रेलवे ने फिरोजपुर मंडल से चलने वाली इंदौर उधमपुर और उधमपुर इंदौर एक्सप्रेस निरस्त कर दी है। इंदौर उधमपुर एक्सप्रेस 23 अगस्त और उधमपुर इंदौर एक्सप्रेस 25 अगस्त को निरस्त रहेगी। पच्चीस अगस्त को होने वाले वैक्सीन महाअभियान में एक ही दिन में 1,35,000 डोज लगाने का लक्ष्य रखा गया है। कलेक्टर आशीष सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सोमवार को महाअभियान की तैयारियों पर चर्चा की। कलेक्टर ने बताया कि पूरे प्रदेश में सबसे ज्यादा वैक्सीन उज्जैन को मिलेगी, इसलिए 100% लोगों को वैक्सीन लगाई जाए। महाअभियान के तहत 26 अगस्त को केवल दूसरा डोज लगेगा, इसके लिए भी व्यापक तैयारी करने के निर्देश कलेक्टर ने दिए हैं। ईएसएस प्रोफाइल का अपडेशन हर हाल में 26 अगस्त तक होगा, कलेक्टर आशीष सिंह ने इस संबंध में निर्देश जारी किए हैं। अंकुर योजना के तहत 20-20 पौधे रोपे जाएंगे, हर पौधे का फोटो वायदूत मोबाइल एप्लीकेशन पर अपलोड किया जाएगा। सोमवार को जिला पंचायत सीईओ अंकित अस्थाना ने अंकुर योजना की मीटिंग ली। राज्य आनंद संस्थान और आनंदम के सहयोग से परवाना नगर बस्ती में महिलाओं को साड़ियां और छोटे बच्चों को राखी और कपड़े देकर सम्मानित किया गया। महितपुर ब्लॉक को उद्यानिकी क्षेत्र में मॉडल बनाया जाएगा, उद्यानिकी मंत्री भारत सिंह कुशवाहा ने इस संबंध में जरूरी निर्देश दिए। एक जिला एक उत्पाद के तहत उज्जैन जिले का चयन प्याज फसल के लिए किया गया है। कृषक उत्पादक संगठन ने इसके लिए प्याज बीज उत्पादन कार्यक्रम शुरू किया है ताकि प्याज बीज में उज्जैन आत्मनिर्भर बन सके। इसी तरह प्याज के स्टोर के लिए 300 वेयरहाउस बनाए जाएंगे।
आपने देखा अभय न्यूज का आज का बुलेटिन। अगर खबरों को लेकर आपके पास कोई फीडबैक है तो हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। कल फिर मिलेंगे इसी समय। नमस्कार।